अज शहीद करतार सिंह सराबा जी दे शहीदी दिहाड़े दे मौके ते एक संकल्प लैके एक दिल दे विच जनून लैके लुधियाना दे हरेक वर्ग तो इत्थे पहुंचे हुए पतवंते सज्जन नौजवान वीर बच्चे बच्चियां सब दा मैं इस सब तो बड़ी साइकिल रैली दे विच तुहाडा स्वागत करदा। सारयां नूं नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं, यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, यह तो एक सोच है। यह सोच है पंजाब नूं अगे लेके जाण दी, यह सोच है पंजाब नूं बुरियां अलामतां तों बचाउण दी, यह सोच है नवीं पीढ़ी नूं वधिया रस्ते पाउण दी, यह सोच है जिहड़े भटक गए रस्तियां तों उन्हां नूं वापस रस्तियां ते लिआउण दी। इन्नी जरखेज धरती, उपजाऊ धरती दुनिया ते नहीं हैगी जो साडे कोल आ। इन्ने शहीद कई देशों के मिला के शहीद नहीं उन्ने बनते जिन्ने साडे कल्ले पिंडां चों बन जांदे। कोई पिंड ऐसा नहीं होना जिस पिंड दे विच किसी शहीद का बुत ना लगे हो, किसी शहीद के नाम से गेट ना बनया हो। इस धरती ने बड़े हमले देखे है, तलवारां दे हमले देखे है, तीरां दे हमले देखे है, बंदूकां दे हमले देखे है, हुण ड्रग वाला हमला चल रहे हैं। पर इस धरती ने हमेशा हरेक हमले का मूंह तोड़वा जवाब दिता है। जे पंजाब कई बार डिग गया तो पंजाब कई बार उठा भी है, पंजाब नूं उठना भी आता है। मेरा छोटा वीर कुलविंदर बिल्ला गा रहा सी के मैं जद दुबारे आवां मेरा देश होवे पंजाब, जिहड़ी मर्जी जून हंडावां मेरा देश होवे पंजाब। आ जिहड़ी पंजाबीयत है ना अज मैनूं सामने नजर आ रही है, ये होर किते है नहीं। असल च साडे च जनून है, जिहड़ी गल नूं धार लैण लोक के खत्म करनी है तो फिर लोगों तो वड्डा कोई नहीं जी। जे लोगों के दिलों के कोई गल आ गई क्या चीज खत्म करनी है तो वह खत्म हो जूगी। जे सत्था च गल चल पी कि इस लीडर नूं हराउणा है, उन्हें जिता ही नहीं सकता कोई। जे सत्था च यह गल चल पी कि इस लीडर नूं जिताउणा है, उन्हें हरा नहीं सकता कोई। ये अज पंजाब च गल चली है कि नशियां दे विरुद्ध आपां ने खड़े होना है, ये पंजाब च गल चली। अरदास करके चले हां सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी की धरती तो, श्री हरिमंदर साहब तो अरदास करके चले हाँ। समत बख्शी, बल बख्शी, असी इन्हां लानतां दूर कर देंगे। यही पंजाब गिद्दे भंगड़े पाउंदा नजर आने लग गया, यही पंजाब रोजगार के चानण थले आ गया, रोजगार के दीवे जग गए कर कर। पंजाब पुलिस दे विच हर साल 2200-2300 भर्ती होया करूगी हर साल, और उहदा नोटिफिकेशन अगले चार साल का जारी करता। जनवरी च नोटिफिकेशन, मई जून च पेपर, जुलाई अगस्त च रिजल्ट, अक्तूबर च फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट दे विच डोप टेस्ट भी है। नशे तो दूर रहो, FIR ना होवे कोई, ते नाल अक्तूबर च टेस्ट, नवंबर च रिजल्ट, दिसंबर दे विच पंजाब पुलिस दे विच 2200 बंदा भर्ती हर साल। इदां ही खेडां च मेरे कोले अफसर आए, मीटिंग कीती एशियाई खेडां तों पहला कि जी आपां किन्ने पैसे देवांगे जिहड़े पंजाब दे प्लेयर जित के आउणगे मैडल। कोई कहिंदा जी
70 लाख कर दिए, कोई कहना जी 75 कर दिए। मैं क्या भी 75 करोड़ ये बाद करांगे, पहले जितने वास्ते उन्होंने बूट तो ले लैन दो जिन्होंने भजते होंगे है उन्होंने वह इंटरनेशनल लैवल की जैवलिन थ्रो तो ले लैन दो। असी क्या बाकी पैसे बाद देवे कि मैडल जितने जोगे तो करिए। 8-8 लाख रुपया असी उन्होंने पहले ही दिता कि तुसी ओ शो शू लो, ओ गद्दे लो, जिन्हें ते कुश्ती कर लो, कुश्ती मिट्टी ते करके जाने उत्थे गद्दे होंगे ने, पकड़ी नहीं बनती। इस बार हिस्टरी दे विच रिकॉर्ड टुट गया, 20 मैडल कले पंजाबियों के ने, कले पंजाबियों के 20 मैडल। और 1-1 करोड़ रुपया असी गोल्ड मैडल दे रहे, 1-1 करोड़ रुपया। और जिहड़े इंडिविजुअल गेम है उस तो मिलने ही मिलने, बॉक्सिंग च है जा जैवलिन च है जा तीरअंदाजी च है, वो तो मिलने ही करोड़। हॉकी की टीम ने गोल्ड मैडल जितया, हॉकी टीम ने गोल्ड मैडल जितया, 10 प्लेयर पंजाब दे ने। ये नहीं है कि असी हॉकी की टीम नू 1 करोड़ देवे, कले कले 10 दे 10 प्लेयर 1-1 करोड़ रुपया देवे, 1-1 करोड़। खेडा वाल नौजवान तुरे हुए ने, खेडा वतन पंजाब दी चल रही ने। सो यह नापाक इरादे जेडे पंजाब विरोधियों के ने उन्होंने आप मिलके असफल करा, मिलके फेल करा। और मैं उम्मीद है जिस शिद्दत ना तुसी आने हो, कोई आके देखे इतने कि मैं 6 बजे सवेरे 6 बजे 5 बजे तुसी आए हुए हो कि पंजाब भी हैगा जिहड़ा सवेरे सवेरे ग्राउंड च आ जाता है, कोई होर ही दिखाया जाता पंजाब नू, आ पंजाब भी अच दिखूगा। बीइंग ए हैड ऑफ द स्टेट मैं भी हाजिर, मेरा फर्ज बनता है जिथे पंजाबी जिथे नौजवान मुंडे कुड़ियां कोई सौ चुकते ने, कोई सोच सोचते ने, कोई चंगी सार्थक वधिया गल करते ने, उत्थे मैं होवां, मैं हाजिर होवां। क्योंकि लाणेदार का फर्ज होंदा अपने परिवार को संभाल के रखे, परिवार के विच जे कोई गुस्सा गिला शिकवे ने दूर करे। डीजी साहब का, कमिश्नर पुलिस मनदीप सिद्धू जी का, डिप्टी कमिश्नर साहिबा, सारे स्टाफ का मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ। आपां तो बनिया बनाया मिल जाता ना स्टेज, पर उस स्टेज नूं बनाउण वास्ते कितना प्लैनिंग्स करनियां पैंदियां ने, किवें किन्ने गेड़े मारे होने इस ग्राउंड च, कित्थे स्पीकर लगूगा, वह मैं जानता। क्योंकि फिल्म जिहड़ी है वह आपां परदे ते देखदे आ कि परदे ते जिहड़े बंदे हुंदे ने उही दिखदे ने, पर परदे दे पिछे बहुत हुंदे ने जिहड़े उस फिल्म नूं कामयाब करन दे विच वड्डा योगदान पाउंदे। साडे इंडस्ट्रियल दोस्त बैठे ने सारे अज आए ने, बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा, तुसीं इत्थे आके स्पोंसर भी कीता ते नाल नाल तुहाडा आउणा ही साडे लई वधिया। जिहड़े इंडस्ट्री है उन्हों प्रमोट भी करना, पर इंडस्ट्री जे लोगों के नाल लग के चले, इंडस्ट्रियल दोस्त ने साडे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मैं कहूँगा, इंडस्ट्रियल दोस्त। ये टैक्स देंदे है, सरकार को रेवन्यू आता है, सरकार थोनू थोड़े ते लाउंदी है, ये साइकिल है। सो मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता, ईवन वाले बैठे है, मेरे होर मित्र बैठे सारे, और बीसी साहब बैठे है यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे होर पतवंते सज्जन तुहाडे चो सारे ही जिन्ने भी अज इत्थे कदम चल के आए हो, साडे सिर मत्थे शहीद करतार सिंह सराबा जी बारे थोड़ा जिहा मैं दस दिना। उस जमाने च बर्कले यूनिवर्सिटी तो कैलीफोर्निया दे विच, बर्कले यूनिवर्सिटी अज भी वड्डा नाम है यूनिवर्सिटी का, टॉप 10 दे विच आउंदी है शायद। उस जमाने च बर्कले यूनिवर्सिटी तो पायलट का कोर्स करन गए सी, स्टॉकटन शहर है एक छोटा जा, स्टॉकटन दे विच गदरी बाबिया का अखबार निकलता सी गदर लहर, वो अज भी प्रेस उत्थे मौजूद है उस अखबार नूं छापण वाली। स्टॉकटन दे विच गदरी बाबिया नाल मेल हो गया, देश नूं सौंपती जिंदड़ी, ते लिखिया की सी कि सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया
ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਾਭੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਡੇ ਮਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਸੀ, ਆਹ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹੁੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਜੂਗੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਾ ਪਵੇ, ਘਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ। ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਕ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ। ਲੋਕੋ ਕੋ ਅਕਸਰ ਕਹਿਤੇ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਿਲ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਬਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇੱਕ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਕ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੜਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਬਲੀ ਸਾਹਿਬ।